ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। खुश रहना, सदा खुश रहना, ये हम ब्राह्मण आत्माओं की एक प्रत्यक्ष प्राप्ति है। यद्यपि संसार ऐसी स्थिति में पहुंच गया है कि बहुत मनुष्यों को यहाँ खुश रहना कठिन होता जा रहा है, फिर भी जिनके पास संपूर्ण ज्ञान है, जिनकी पालना स्वयं भगवान ने की है, जिनका भविष्य उनके सामने बिल्कुल स्पष्ट है और जो ज्ञान और योग के बल से बहुत शक्तिशाली बन चुके हैं, उन्हें तो सदा खुश रहना ही चाहिए। भगवान भी जब अपने बच्चों को बहुत खुश देखता है तो वो भी बहुत हर्षित होता है और उसने कह दिया कि सदा जो बच्चे सदा खुश रहते हैं वो तो मेरे सम्मुख रहते हैं, नैनों में समाए रहते हैं। तो जैसे लौकिक बाप अपने बच्चों को बहुत प्यार करता है, वैसे ही हमारा सुप्रीम फादर हम सभी को अपने नैनों में समाये रखना चाहता है, अर्थात वो बहुत हमें याद करता है, बहुत प्यार करता है, केवल हम सदा खुश रहें। कैसे रहेंगे हम खुश? चेक करेंगे सूक्ष्म रूप से कौन सी बात मेरी खुशी को छीनती है। किसी नजदीकी व्यक्ति के वचन, उसका व्यवहार, उसकी इंसल्टिंग नेचर, जो हमेशा कड़वा बोलता रहे, वो मेरी खुशी छीन ले जाते हैं, या जो मैं चाहता हूँ चाहती हूँ वो नहीं होता है, तब मेरी खुशी चली जाती है। हमने कोई टारगेट रखा है, उसमें हम सफल नहीं हुए, तब हमारी खुशी चली जाती है, या हमारे साथ ही अच्छा काम नहीं करते, बार बार काम बिगाड़ते हैं, हमें गुस्सा आ जाता है और हमारी खुशी चली जाती है, या दूसरों को देखकर, पर चिंतन करके, दूसरों के अवगुण देखकर हमारी खुशी नष्ट हो जाती है। चेक करेंगे, अवगुण देखा और खुशी नष्ट हुई। यही सत्य है, अवगुण दूसरे के, नुकसान हमारा। ये कौन से बुद्धिमानी, जिसके अवगुण हैं वो जाने, हम तो केवल उन्हें शुभ भावनाएं देंगे, हम उनको अपने चित्त पे रख लें, उसका चिंतन करने लगे तो वो गुण हमारे अंदर, वो अवगुण, वो त्रुटियां हमारे अंदर भी आने लगेंगी और हमारा मन भी बहुत नेगेटिव होकर कष्ट अनुभव करेगा। तो हम अपने को पहले तो ऐसा करें कि जो ये बातें होती हैं इनका इफेक्ट हमारे ऊपर न हो, कम से कम हो, इतना कम हो कि जैसे पानी पर लकीर और जल्दी ही वो समाप्त हो जाए। इसके लिए बहुत आवश्यक है स्वयं में ज्ञान का बल भरना, स्वयं को बहुत ईश्वरीय नशे में रखना, स्वमान के श्रेष्ठ अभ्यास करते रहना, ऐसा दीदी होने की प्रैक्टिस करते रहना, या बाबा से बातें करते रहना, इनसे हम स्वयं को इतना आनंदित और भरपूर अनुभव करते हैं कि लोगों की बातें हमें बहुत छोटी लगती है। कोई हमारा अपमान करता है तो हमें ख्याल रहता है, हमें याद रहता है, जो स्वमानधारी हैं, जो योगी हैं, उनका तो अपमान होता ही नहीं। हमें बाबा का महावाक्य याद रहेगा, बच्चे तुम मनुष्यों का मान लेकर क्या करोगे, तुम्हें तो स्वयं भगवान मान दे रहा है। तो हम सभी अपने को भरपूर आत्मा बनाएं, ज्ञान का बल अपने अंदर इतना ले आएं कि हर बात को ज्ञान की पॉइंट याद करके समाप्त कर दें, हल्का कर दें। तो आज हम याद रखेंगे, मैं बहुत बहुत खुश नसीब हूँ, मेरे जैसा खुश नसीब कोई नहीं, और
हम क्योंकि विश्व के आधार मूर्त हैं, इसलिए यदि मैं बहुत खुश हूँ तो सारा संसार खुश है। संसार में खुशी की लहर फैलाती है हमारी आंतरिक खुशी। और जिन्हें भगवान से सर्वस्व प्राप्ति हुई हो वो तो सदा खुश रहेंगे ही। तो आज बाबा से बातें करते रहेंगे और अपनी खुशियों को बढ़ाते रहेंगे। तो आप सबको बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।